छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस के माध्यम से चावल का वितरण किया जा रहा है। उसमें प्लास्टिक का चावल मिलने की खबर तेजी से फैल रही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में इसे लेकर ग्रामीण आशंकित है। कुछ ऐसा ही मामला बालोदा बाजा जिले की बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत टोकरडी के आश्रित ग्राम ठाकुर दिया में सामने आया। ठाकुर दिया निवासी रामनाथ साहू ने बताया कि पीडीएस से मिले चावल को खाने के बाद उसे चेक करने के लिए पके हुए चावल को बाल की आकार में बनाकर जमीन पर फेंका। उन्होंने देखा कि चावल की बॉल उछलने लगी है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी दी। पड़ोसियों ने भी चावल की बॉल बनाकर जमीन पर पटक कर देखा, उनको मिला चावल भी बॉल की तरह उछलने लगे। वो तो भात पकने के बाद ना, चावल बनने के बाद, भात बनने के बाद गेंद की तरह उछल रहा है, और जैसे खाने पे ना घर के चावल जैसे टेस्ट भी नहीं आ रहे हैं। यह चावल अधिक सफेद और वजन में हल्का है, यही वजह रही कि भयभीत ग्रामीणों ने चावल खाना बंद कर दिया। इस मामले में हमारी टीम ने फूड इंस्पेक्टर कमल अग्रवाल से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए उच्चाधिकारी को मामले से अवगत करा देने की बात कही और कहा कि प्लास्टिक के चावल होने का परीक्षण जिला स्तर के अधिकारी करेंगे। इस तरह के गंभीर मामले में फूड इंस्पेक्टर का यह रवैया कई तरह के सवाल खड़े करता है। पीडीएस के तहत ऐसा कुछ हम लोग को कहे कि हमने जो प्लास्टिक के चावल वितरित नहीं किया है, बट हमको जो शिकायत कहे ठाकुर दिया से मिला है, तो हमने जो जिला कार्यालय फूड सेफ्टी ऑफिसर को इस बारे में सूचना के लिए कल संभवतः जांच करने आए। हम आपको बताना चाहेंगे कि असली चावल के साथ प्लास्टिक का चावल इस कदर मिल जाता है कि आप इसके रंग रूप आकार और स्वाद में भी फर्क नहीं कर पाएंगे। इस चावल को खाने से पेट की बीमारियों के साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी के शिकार होने का खतरा भी बना रहता है। प्लास्टिक के चावल होने की चर्चा के चलते छत्तीसगढ़ के निवासी अपना प्रिय चावल का भोजन लेने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।